आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां पर छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ अब आवाज बुलंद कर दी है। जहां एक ओर लॉकडाउन के बाद लोग धीरे धीरे व्यापार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल और कॉलेज संचालक मलाई की तलाश में नई नई योजनाओं के तहत अभिभावकों की जेब पर डाका डालने की जुगाड़ में जुट गए हैं। और ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर फीस की डिमांड व्हाट्सएप के द्वारा परिजनों को भेज रहे हैं, जिसको लेकर अभिभावक भी अपने बच्चों के भविष्य को देखकर सदमे में नजर आ रहे हैं। वजह है, 3 महीने से सभी तरह के व्यापार से लेकर स्कूल कॉलेज बंद पड़े थे, लेकिन स्कूल और कॉलेज संचालक बच्चों के भविष्य की चौपट करने की बातें कहा करते हैं। यही कारण है कि आज अभिभावक अपने आप में असहज महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि फीस मांगने की बातों को सुनकर राजनीतिक दल भी मैदान में उतर गए। पूरा मामला जिला अलीगढ़ का है, जहां चौधरी चरण सिंह यूथ ब्रिगेड के बैनर तले एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम से डीएम को सौंपा गया है, जिसमें चौधरी चरण सिंह यूथ ब्रिगेड के द्वारा ऐसे स्कूल और कॉलेज संचालकों को सीधी धमकी दी गई है। ब्रिगेड के पदाधिकारी राजा भैया के द्वारा कहा गया है कि अब भी समय है ऐसे स्कूल कॉलेज संचालक जो ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की बात कह रहे हैं। स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर फीस मांगी गई तो ऐसे कॉलेज और स्कूलों पर चौधरी चरण सिंह यूथ ब्रिगेड ताला डालने का काम करेगी और उन कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होने दी जाएगी। महामहिम राज्यपाल महोदय जी के लिए जिलाधिकारी जी द्वारा एसीएम साहब को ज्ञापन दे दिया गया है। जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन है, कम्प्लीटली लॉकडाउन लगा हुआ था, अब कुछ चरणों में खुलने लगा है, तो बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस फीस की डिमांड करने लगे हैं। जबकि कोरोना वायरस के समय में तमाम यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज बंद थे, लेकिन बंद होने के बावजूद भी कुछ स्कूल कॉलेज जो हैं छात्रों से फीस मांग रहे हैं। तो हम साफ साफ बता देना चाहते हैं, या तो प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई करे। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है कॉलेज या स्कूल पर, तो चौधरी चरण सिंह यूथ ब्रिगेड सब में ताला डालने का काम करेगी। और ऑनलाइन एग्जाम के नाम पर जो ढोंग रचा जा रहा है इस यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों द्वारा, वो सब बंद होना चाहिए। छात्रों को अगली कक्षाओं में, अगले कोर्स में प्रमोट करना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो चौधरी चरण सिंह यूथ ब्रिगेड हर प्रदेश में तमाम स्कूल कॉलेजेस में जो इस तरीके की धोखाधड़ी करेंगे ताला डालने का काम करेंगे, क्योंकि छात्रों के अधिकारों का हनन होने नहीं देंगे। जिस तरीके से देश में सरकार धोखाधड़ी कर रही है, सरकार के जो है नियमों पर चलते हुए स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।